हाल ही में हमने एक साइट के ऊपर कोरियन यूज किया है, तो हम उसका एक छोटा क्लिप भी देखेंगे इसके एंड में. और गुड मॉर्निंग, आई स्टार्ट. हाय फ्रेंड्स, आज कैसे हिंदी में आप सबका स्वागत है. मैं हूँ आके टेक्निक आरा और आज हम बात करने वाले हैं एक्रेलिक सॉलिड सरफेस के बारे में, जिसको शायद आपने सुना होगा, कोरियन के नाम से लोग जानते हैं. तो हम जानेंगे कि एग्जैक्टली ये मटेरियल क्या होता है, उसको आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब आप इसको यूज़ करेंगे, क्या कलर्स में, क्या वैरायटीज में अवेलेबल है, इसकी प्राइस रेंज क्या है, और आपको अगर आप कोरियन यूज़ करते हैं तो आपको उसको कैसे मेंटेन करना है. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं ये सारी चीज़ें. के पहले एक चीज जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी वो ये है कि ये हुआ और थैंक यू सो मच 1,01,30,000 लोग जो अभी देख रहे हैं शायद. थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इतना जो आप प्यार और सपोर्ट देते हैं उसके लिए थैंक यू. बहुत लोगों ने ये पूछा था कि आप वीडियोस कंसिस्टेंटली अपलोड क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसका रीजन ये था कि मेरी एक्चुअली सर्जरी हो गई थी और सर्जरी के बाद मैंने ब्रेक लिया था रेस्ट लेने के लिए और तभी ये सिल्वर बटन मिला, तभी आई थिंक हमने 1,00,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए. मैं चाहती थी एक्चुअली एक अनबॉक्सिंग टाइप का इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएंगे, बट क्योंकि मैं ब्रेक पे थी और उसके बाद जैसे ही मैंने काम रिज्यूम किया कुछ साइट्स थे जो एकदम एंड के स्टेज पे आ गए थे, काफ़ी सारा सिलेक्शन मेरे साइड से पेंडिंग था, वो मैंने सोचा था उसका हैंड ओवर होने के बाद, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने के बाद फिर मैं वीडियो शूट करूंगी. इसके लिए मैंने इसको काफ़ी लेट खोला और अनबॉक्सिंग वगैरह नहीं किया. तो अभी मैं काम मैंने स्टार्ट कर दिया है, परफेक्टली फाइन हूँ और कुछ टेंशन लेने जैसी बात नहीं है. ये है सैम्पल एक्रेलिक सॉलिड सरफेस का, जिसको आप शायद कोरियन के नाम से जानते हैं. सबसे पहले ड्यूपॉन्ट कंपनी ने इसको कोरियन के नाम से लॉन्च किया था, तब से सब लोग इसको कोरियन ही कहते हैं. जैसे हम मिनरल वाटर को बिस्लेरी कहते हैं वही बात है, बट एक्चुअली ये एक्रेलिक सॉलिड सरफेस है. मैं बात करते वक्त इसको सॉलिड सरफेस कहूँगी या कोरियन ही कहूँगी, क्योंकि एक्रेलिक सॉलिड सरफेस ये पूरे वीडियो में 20 या 25 बार बोलना मेरे लिए मुश्किल है. अब जानेंगे कि इसकी खासियत क्या है. तो इसकी खासियत ये है कि अगर आप इसको बहुत ही किसी लंबा कोई फर्नीचर पीस है या आड़ा टेढ़ा है, कर्व्ड है, तो आप इसको अगर कोरियन मोल्ड करते हैं उसके ऊपर तो उसमें एक भी जॉइंट नहीं दिखता, शार्प एजेस नहीं होते. तो अगर आपको फर्नीचर के कोई भी शार्प एजेस नहीं चाहिए, ऐसी जगह पर आप कोरियन लगा सकते हैं. अगर कोई कर्व्ड पैनलिंग है उसके ऊपर आप कोरियन लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि लैमिनेट को हम बेंड नहीं कर सकते. तो एक तो लोग वीनियर करके या उसके ऊपर ड्यूको वगैरह करते हैं, बट अगर आपको वैसा नहीं चाहिए तो आप कोरियन लगा सकते हैं. अब जानेंगे कि इसको सॉलिड सर्फेस क्यों कहते हैं. तो जैसे आप मेरे हाथ में ये सैंपल है, आप देख सकते हैं इसका जो थिकनेस है, आप देखेंगे थिकनेस में वही मटेरियल है जिसको हम कहते हैं होमोजीनियस है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही लेयर है. कुछ मटेरियल्स में जैसे आपने देखा होगा लैमिनेट्स के ऊपर ऊपरी लेयर होती है वो अलग होती है और नीचे का जो सरफेस होता है वो डिफरेंट होता है, इसमें वो नहीं होता. सैंपल्स है मेरे पास, मैं आपको दिखाती हूँ. तो एक तो आप इसको ब्लॉक कलर्स में आपको ये मिलता है, जैसे कि ये कुछ कलर्स है बनाना है और ये ऐसे प्लेन कलर्स में आपको चाहिए उसमें मिलता है, या जो स्टोन फिनिश होता है, स्टोन का जो लुक होता है उसमें भी आपको ये मिल सकता है. ये है या ये है, बहुत सारे सैंपल्स हैं, ये देखिए. दूसरी एक जो इसमें का एक सैंपल है जो मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा है वो है कंक्रीट फिनिश. कंक्रीट लुक में है, इसमें शेड्स में भी वैरायटी है, लाइट डार्क वो है. एक ऐसा भी सैंपल है, कुछ सैंपल्स ऐसे भी हैं जो ट्रांसलूसेंट है थोड़े से, तो अगर आप पीछे से लाइटिंग देना चाहते हैं तो हल्का सा उसमें से लाइट दिखेगा. जैसे कि ये लाइट कलर्स के सैंपल्स हैं, अगर आपको लाइट देना है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं. बहुत ही आई थिंक बहुत अच्छे कलर से, काफ़ी सूदिंग है. ये दो थिकनेसेस में अवेलेबल होता है, एक है 6 mm और दूसरा है 12 mm. तो डिपेंड करता है आपको उसको कहाँ पे यूज़ करना है, उसके ऊपर से उसका थिकनेस डिसाइड होता है. अगर आप किसी ऐसे जगह पर यूज़ करना चाहते हैं जहाँ पर बहुत रफली यूज़ होने वाला है तो आप 12 mm यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको किसी ऐसे जगह पर यूज़ करना है जहाँ पर उतना फ्रीक्वेंटली वो यूज़ नहीं होने वाला है, जैसे कोई वॉल पैनलिंग है जहाँ पर चीज़ें जनरली रखी नहीं जाती. बहुत लोग इसको किचन काउंटर में भी यूज़ करते हैं, बट मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि इसके ऊपर स्क्रैचेस आते हैं और हमें पता है कि इंडियन कुकिंग में काफ़ी एक्सटेंसिव कुकिंग होता है और इसके ऊपर अगर आपको गर्म बर्तन वगैरह रखने हैं तो आपको थोड़ी केयर लेनी पड़ेगी, आपको नीचे कुछ रखना पड़ेगा. तो मुझे लगता है कि कुकिंग करते वक्त इतनी चीज़ों का ध्यान रखना पॉसिबल नहीं है. तो मैं कहूँगी अगर आपको कलर्स में कुछ दूसरा कलर अदर देन द ट्रेडिशनल ब्लैक ग्रेनाइट आपको दूसरा कुछ करना है तो मैंने उसके ऊपर वीडियो किया है, आप क्वार्ट्ज यूज़ कर लीजिए, उसमें भी ये सारे कलर्स और ये फिनिशेस अवेलेबल होते हैं. क्वार्ट्ज यूज़ कीजिए, या आपको अगर वाइट करना है तो नैनो वाइट यूज़ कर लीजिए.
बट आई थिंक किचन के लिए मत यूज कीजिए, या अगर आपको करना है तो ये चीज ध्यान में रखिए कि इसके ऊपर स्क्रैचेस आने के बाद आपको प्रोबेबली आफ्टर 2 या 3 ईयर्स आपको उसका बफिंग करना पड़ेगा. अगर आप ओके हैं, ये जो एक रिकरेंट इसका मेंटेनेंस है उसके लिए आप ओके हैं और आपको लगता है ये होगा तो आपको इससे कोई इशू नहीं है, तो आप डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हैं. अब जानते हैं ये क्या साइज में अवेलेबल होता है. तो जैसे मैंने आपको बोला उसका थिकनेस जो है वो 6 mm और 12 mm होता है. जो शीट साइज है, एक साइज जो अवेलेबल है वो है 2.5 x 8 फुट. तो डिपेंड करता है आप क्या थिकनेस का ले रहे हो. तो 6 mm और 12 mm अगर मैं रेंज में बताऊंगी तो अप्रॉक्सीमेटली 600 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होकर 1200-1300 तक की रेंज में आपको कोरिंग मिल जाएगा या ये सरफेस मिल जाएगा. और जो उसके लेबर चार्जेस हैं वो 200-300 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट होते हैं. इसी के साथ ये हो गया आपका इंस्टॉलेशन चार्ज विथ मटेरियल. अगर 3 साल के बाद, 4 साल के बाद अगर आपने जहाँ पे कोरियन यूज़ किया है उसके ऊपर बहुत स्क्रैचेस आए हैं, आप चाहते हैं कि वो स्क्रैचेस निकाल के उसको बफिंग करें, तो बफिंग मतलब एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक सैंड पेपर को लेकर उसका जो टॉप लेयर है कोरियन का वो निकाल देते हैं. सो बेसिकली ऊपर का लेयर जहाँ पर बहुत सारे स्क्रैचेस हैं वो निकल जाता है और नीचे का फ्रेश लेयर है वो दिखता है जिसको पॉलिश होता है, उसको कहते हैं बफिंग. बफिंग का रेट जो है वो 80-90 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट होता है. ये मैंने जो आपको रेट बोला वो बेसिक मटेरियल और उसका बेसिक इंस्टॉलेशन इसका है. अगर आपको इसमें कुछ और इंट्रिकेट डिज़ाइन करना है, इसमें इनले भी पॉसिबल है. अगर आपको कुछ इंट्रिकेट इनले करके चाहिए या CNC कटिंग करना है, आपको कहीं पे जाली यूज़ करना है, जाली फॉर्म में यूज़ करना है पैनलिंग में या सीलिंग में, तो उसका रेट एक्स्ट्रा होगा, इससे प्लस ऐड होगा. तो आप जहाँ से आप लेने वाले हैं उस वेंडर को आप पूछ सकते हैं कि ये डिज़ाइन है तो एग्जैक्टली उसके चार्जेस क्या होंगे. मेरे पीछे का जो आप पीस देख रहे हैं ये कोरियन का पीस है. ये वाइट और ये ब्लू हमने फिलहाल एक इंटीरियर में यूज़ किया है जिसका वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी. और एक चीज़ कि ऑन इट्स ओन कोरियन एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल नहीं है, ये किसी दूसरे मटेरियल के ऊपर यूज़ किया जाता है. जैसे प्लाई के ऊपर हम लैमिनेट या वीनियर लगाते हैं वो एक फिनिशिंग मटेरियल है, और जो बॉक्स बनता है वो प्लाई में या वुड में बनता है, वैसे ही इसको नीचे सपोर्ट की ज़रूरत है. ऑन इट्स ओन आप इस मटीरियल से कोई भी फर्नीचर पीस नहीं बना सकते हैं, इसको किसी बेस लेयर की ज़रूरत होती है. प्लाई में ढांचा बनाकर उसके ऊपर कोरियन चढ़ाया जाता है. और हम देखते हैं हमने इसको किस तरीके से यूज़ किया है साइड पे. और एक चीज़, इसको लगाना मतलब एक स्किल्ड जॉब है. कोई भी कारपेंटर इसको, जिसको लैमिनेट और वीनियर का एक्सपीरियंस है वो इसको नहीं लगा सकते. इसको यूज़ करने के स्पेशल टूल्स आते हैं, इसका एडहेसिव भी अलग होता है, और उसको लगाने के बाद उसका फिनिशिंग करने का भी एक तरीका होता है. तो बेटर अगर आपको ऐसा मटेरियल यूज़ करना है तो उस वेंडर से ही आप एप्लीकेशन के लिए लेबर की बात कर सकते हैं. तो स्किल लोग करेंगे तो फिनिशिंग अच्छा आएगा और अच्छे से रहेगा. वो हमारे साइट के लिए जिन्होंने कोरियन का काम किया है, अरविंद जी, उनका नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है. तो अगर आपको कोरियन का कुछ काम हो तो आप उनको डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. आप इस मटीरियल को टेबल टॉप पर यूज़ कर सकते हैं. बहुत बार अभी आप ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत बार कमर्शियल स्पेसिस में, शॉप्स में जो काउंटर्स होते हैं वो कोरियन के बने हुए होते हैं. मॉल्स में अगर आप जाएंगे तो ऑब्जर्व कीजिएगा, बहुत जगह पर प्लांटर्स वगैरह में भी कोरियन यूज़ होता है. जो सीटिंग होता है उसमें कोरियन यूज़ होता है. रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए आप बेड के जो बॉर्डर्स है उसमें कोरियन यूज़ कर सकते हैं, पैनलिंग में यूज़ कर सकते हैं, सीलिंग में यूज़ कर सकते हैं. आपके जो वॉश बेसिन के काउंटर्स है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं. अगर यू आर ओके विद द मेंटेनेंस आप किचन में भी कर सकते हैं, टीवी यूनिट में कर सकते हैं. तो बेसिकली कहीं में भी यूज़ कर सकते हैं. हमने जहाँ पर यूज़ किया है कोरियन को, अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी कि एक चिल्ड्रन बेडरूम है तो चिल्ड्रन फ्रेंडली हो, शार्प एजेस ना हो. ऑब्वियसली क्योंकि लगने नहीं चाहिए शार्प एजेस, लैमिनेट के आपने देखा होगा बहुत ज़ोर से बेड के कॉर्नर्स लगते हैं. तो हम चाहते थे कि कुछ ऐसा हो जो सीमलेस हो, एक तो उसमें जॉइंट्स ना दिखे और चिल्ड्रन फ्रेंडली हो, किड्स फ्रेंडली हो, इसके लिए हमने इसको यूज़ किया है.
उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके फोटोग्राफ्स देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। थैंक यू सो मच आपके पेशेंस के लिए और इतने प्यार और सपोर्ट के लिए। आपने ट्रस्ट मी, आपने जितने वीडियोस मिस किए हैं उससे भी कई ज़्यादा मैंने ये मिस किया है। तो चलिए मिलते हैं जल्द, बाय।